अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खान आगा और आप देख रहे हैं आगाज़ लाइव। आज है हमारा ट्रिप का तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं खुंजरा पास। नहीं रहने दो जाना, तुम कुछ ना कहो, तुम चुप ही अच्छी हो। क्यों मामू? वाइटी से हेलो। हेलो कबीर। हेलो तो अभी हम पहुंच गए हैं अताबाद लेक पे। दूसरे कहाँ है? उधर ही लोग। हाँ जी, आज आप दूसरी दफा आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा करवा दी। सो ये है आज का हमारा व्यू अताबाद लेक का। वो शेडोज़ ना है। जन्नत बनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या बनाने की कोशिश कर रही हैं जन्नत आप? यार आपसे एक क्वेश्चन है, छोड़े आप टिकटॉक को। मेरी एक दोस्त ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, वो कह रही हैं कि ये जो पहाड़ हैं ये बिल्कुल इन पे ग्रीनरी नहीं है, तो ये तो अच्छे नहीं लगते होंगे। मामू ये उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ग्रीन मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। मामू आपको आवाज़ दे रहे हैं जी, बताएं। ये हैं ही इतने ह्यूज, वो देखें जहाज किस कर तो जा रहे हैं। ये हैं ही इतने ऊँचे, इतने ह्यूज हैं दरख्तों वाले, सब्जे वाले पहाड़ है ना, उनके आगे कुछ नहीं, दरख्त नहीं होता। यार मेरा ये अपना मेरा अपना व्यू है एक के वो बहुत खूबसूरत है, नारायण का गान की साइड भी बहुत प्यारी है बेशक, लेकिन ये एक अलग दुनिया है। अंदर आपको आके आपको अल्लाह की कुदरत का एहसास, यहाँ आपको ना लोगों की जरूरत है ना किसी और चीज की, आप यहाँ पे अकेले आके भी इतना एंजॉय कर सकते हैं। आप अकेले आ जाते हैं, नेचर आप देख सकते हैं, खुली नेचर। हाँ जी, क्या है ये? पासुकोन्स है ये? पासुकोन्स नामन, मैं बताती हूँ, लास्ट टाइम भी इसने बताई पासुकोन्स है, फिर आगे जाके पासुकोन्स पासुकोन्स मार फोर के सींग मिल गए हैं। पहले आप बने ओके, गो 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 जाओ। यहाँ सब कुछ दरम बरम हो गया लैंडस्लाइडिंग की वजह से, सड़क बिल्कुल खराब हो गई। ग्लेशियर आंदे आंदे आने दे,
मोहम्मद अली भाई उधर ना खड़े हो यार, स्लिप हो सकता है, गिर सकता है नीचे। अबू ग्लेशियर रोड है क्या है वो? तो दरिया भी है ना, ये सारा गिर गया है, सारा गिर गया, उस साइड से भी गिर गया, इस साइड से भी। आ जाए आ जाए आ जाए, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, गाड़ी ऐसे आएगी, मैं तो कहता हूं उधर ना जाए। लगेगी बाबा जी, लगेगी, बहुत लगेगी। नहीं नहीं, इधर से ही आने दें, यहां से इसकी दोनों टायर इधर आने दें, इधर इधर नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं शरान ठीक है, ये तो तूने और जामा कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, साइड पे कर दे, साइड निकाल दे पत्थर बेटा। नहीं नहीं नहीं, अगर इधर एक मिनट ठहर, पीछे हो जाए, निकल आएगी गाड़ी, कोई मसला नहीं, आने दे ऐसे ही आने दे, आने दे आने दे आने दे आने दे, थोड़ा टायर उस तरफ काटे राइट पे, नहीं लग, एक मिनट उधर पत्थर रख दूं, नहीं नहीं लग जाए, नहीं निकलेगी, निकल आए, अब जितनी लगनी इतनी तो लगेगी ना, इधर 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 आ जाए आ जाए, आ गई है, ओके वेल डन बाबा जी, गुड जॉब, निकलने वाली बात करें, पत्थर आ सकते हैं कभी भी। गाड़ी नहीं जा सकती, नजर आ रहे हैं आईपैक्स कह रहे हैं। कर दो, मैं तो हमारे साथ ही थे ना। गाइस ये मिले वकार भाई से, जो एकदम से पता नहीं यहाँ कैसे आ गए हैं। वकार भाई क्या सोचकर आप आए हैं? मैंने जाना था, बस जाना था, पहुँचना था। हम तो हैरान है आपको देख के कि आप कहाँ से आ गए हैं। हैरान हुए ना फिर? मैं आप लोगों को बताती हूँ, वकार भाई ने सारा रास्ता ऐसे किया। सारा रास्ता नहीं, अभी पहुँचा हूँ इधर, मैं पैदल आया हूँ वहाँ से, जहाँ छोड़ के आए थे। वकार भाई आगे जाना था, लेकिन आप बहुत टैलेंटेड है, आपको पता है? आप बहुत टैलेंटेड है। ओह थैंक यू सो मच, आई नो एवरीवन नो। चार इधर के मास्क करते हैं आप जी। आगा साहब ने गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया है, आप थक हार के जो ना आगे जाके बैठ गए, रोजे की हालत में। आगा जी
क्या हो गया, आप ज्यादा थक गए हो कुछ? यार मेरी तबीयत नहीं सही, ऑक्सीजन मेरे ख्याल रोजे की वजह से ना। हाँ हाँ, टायर कैसे पंक्चर किया आपने? पता नहीं कहीं लग गया होगा, ख्याल से गाड़ी चलानी थी। चले कोई बात नहीं, अब ये हमारे अपना है, क्या नाम है इनका, कैसर भाई, ये लगे हुए टायर चेंज करने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हर काम के हिकमत होंगी, जो पिछे आ गए ना चाबी इन्होंने जेब च रह गई, पिछे आ गए तुम पिछे आ गए सर, मैं तो नाल ही सी। कितने मासूम जानवर हैं, जी क्यूट। गुड मॉर्निंग सनी मामू, गुड मॉर्निंग। वो सच ही हो रहा था, क्या क्या बन रहा है? चिकन, ओनली चिकन, नो बीफ। नो बीफ नहीं, वो देखो ना कह रहे ना, तू तो कहता रहेगा, बता दो सही नारायण गान की बात भाई, उससे तो पूछ लो, बता दे। ये व्लॉग में बताने वाली है कि नहीं, बंद कर दो। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं झूठा नहीं हूँ, देखे मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। फिर क्या, थोड़ी बहुत हल्की, एक भी सच नहीं इसने बोला रमजान मामू। दरअसल वो व्लॉग कोई देख ना ले तो वो इशू हो जाएगा।